दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को राधे राधे। और यहाँ पे देखिए खाना जो है वो रेडी हो चुका है। और यहाँ पे पनीर जो है, पालक पनीर, ये पक रहा है, धीरे धीरे पकेगा। ये खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इधर बनाया है हलवा, इसमें छोले हैं, चावल है, पूरियाँ हैं, सारा कुछ खाना हो गया रेडी। और अब होने लग रहे हैं बच्चे तैयार, क्योंकि मैं तो हो गया हूँ रेडी। और यहाँ पे ये देखिए हमारी गुड़िया परी लग रही है बिल्कुल। हेलो, अभी है अभी इसे फ्रंट से दिखाऊंगा। और ये देखिए ये क्या लग रहा, ये क्या लग रहा है, इसको भी बताना जरूर कमेंट करके, ये क्या लग रहा है। अच्छा, उधर पीओ भी होने लग रही है जी तैयार, तो फटाफट से हो लेते हैं। बच्चे भी तैयार और उसके बाद तैयारी हो रही है। हाँ, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लग ही नहीं रहा लगे। थोड़ी देर में आ जाएंगे, उधर से भी सुहर और भाभी और भाई और कन्हैया वगैरह सारे आ जाएंगे। फिर उसके बाद केक वगैरह जो है वो काटेंगे। मैं भी हो चुकी हूँ रेडी। और ये वाला मैंने डाला है सूट, आज दूसरी बार डाला। और इसी की मैचिंग का मैंने ये भी पहन लिया, गले का हार नौ लखा। देखियो जो तुमने वो दिया था, वो कई साल पहले खुदाई में मिला था, जो वो मैंने आज डाल लिया। और इधर देखो आशुर भी आ गए, जिजा जी भी आ गए, गुड्डू नहीं आ गए क्यों? अच्छा, इन लगा देगा गुब्बारे पीछे, चल किन्ने लगाए ये चलो भी जी, फिर पहले खाना खाते हैं। खाने में आप सबको पता ही हमने क्या क्या पकवान बना रखे, इतने सारे पकवान बनाए, गिनते गिनते थक गई मैं। ये तो हो गया क्या है, यो पालक पनीर, ये बन गया हलवा, ये हो गए छोले, और ये होगी पूरी, हो गए चावल, ये होगी सलाद। तो बस खुशबू बहुत अच्छी, बस तू पीछे ही रहो, जब सब पक ही रहा हो, आज का पक रहा हो कम कम आँच में। तो चलिए जी, मैं लगाती हूँ खाना, बिछाते हैं मैट यहाँ पे और सब खाना खा लेंगे जब तक, क्योंकि 3 बज गए, खाने का भी टाइम हो रहा। चलिए बस फिर खाना खा लेते हैं पहले। अरे विजय कुमार आ गया क्या? लेट हो गए, लेट पहले तुम खाना खाओ, बैठो। मुझे केक देखना है, मुझे केक देखना है।
अरे वाह, देख कितनी बटरफ्लाई लगाई उन्होंने, वो एक बटरफ्लाई उड़ गई। रुक जा उसे ना। हाँ नीचे को कर दे उसे, बस भाई नीचे छोड़। कैसा लग रहा है रुई? बहुत सुंदर है। कृष्णा पीयू ईशु देखिए, देखियो इसी के हाथ में दे दो, तितली उड़ रही है। थुल गया, देखा जो तुमने पसंद नहीं है। क्ले के लड्डू नहीं है, एडिबल है खाने के। ये कैसा लग रहा है ईशु? कैसा लग रहा है? तेरी ड्रेस से मैच कर गया, पर्पल पर्पल हो गया। चलो बैठ भाई विजय, मैं लेकर आ रही खाना। कन्हैया कहाँ गया? अरे ओ सुन ले, उसका जन्मदिन है भाई, केक काटेगी बीच में, झंडा बरदार नहीं बनना। हाँ ओते कहिए ओते। चलो रख दो अभी, बस मैं इतना उन्हें खाना दे दूँ। गिरने का तो नहीं, कुछ नीचे इक्वल करने को रखो क्या? ये हटाओ, ये हटाओ, नहीं वो अड़ेगी उसमें। मतलब मैं जो कह रही वो नहीं मानना, अपनी ही कलाकारी दिखा। हे भगवान, आप कहीं अभी नहीं निकला। क्या कहा था मैंने तेरे को? अब आराम से देखियो सक, अभी भी ऐसा ही हो गया। ये भी कोई बात है क्या? हमें पता नहीं। अच्छा चलो भाई, कन्हैया खाना खा ले पहले। चल बैठ, मैं ला रही। क्या हो रहा है देखो, ये कूद रहे थे, देखो कैसा कूद रहे थे। डांस कर रहा तेरा चाचा, ऐसे ही करक रहा है कन्हैया डांस भी। हाँ ऐसे ही करक रहा है कन्हैया डांस भी। तू भी ऐसे ही कर जैसे भी रुई ईश प्यू कर रही थी। ये दोनों आओ आंटी बैठो। आओ बैठो। तैयारी बिल्कुल जी बिल्कुल। केक वैसे अच्छा लग रहा बन गया है ना, देखिए तिरछा सा हो रहा था ना, इन्हें जगह छोड़ दी। इतनी है बटरफ्लाई इस पर नहीं, हमने उसे कहा था मैं बटरफ्लाई पूरी लगानी, नहीं मगर जितनी बटरफ्लाई है इतनी लगा दी है इस पर, कभी एक आधी तार से आंटी जी दर्शन देंगे जब ही काटते हुए। ये दिया है, ये अगरबत्ती मोमबत्ती नहीं जलाने के। अच्छा तो ज्यादा ही निखर रहे, पहले ऐसी ड्रेस है देखिए आंटी जी, हमारे लड्डू गोपाल अच्छे लग रहे भाई। एक ही डब जाओ वही पहले। Happy birthday to you.
फिर मैं साग साफ करने के बाद ही नीचे गई थी। अच्छा साढ़े 11:30 बज रहे हो। हाँ फिर हम चला तो जी हमारा हो गया है केक का सेलिब्रेशन पूरा। 5:30-4:30 हो गए और आशु और जिज्जा जी जाने लग रहे हैं वहाँ नीचे को दिखेंगे। मैं आए थे तो गाड़ी में जा नहीं रहे स्कूटी पे क्योंकि गाड़ी फिर पी होके डैडी लेके जाएंगे। वह कहाँ है गदड़वा तो मुझे नजर ही नहीं आ रही रूही। तो जी वो पता नहीं ना जी ना मैं नहीं जा रही, मेरा काम फैला पड़ा सारा। देखो घर की हालत तो देख लो, या फिर रुकना पड़ेगा तब मैं जब जाया जाऊंगा या तो तुम रुक जाओ, ज्यादा नहीं टाइम लगने का। बस मुझे तो समेटना सुनीता आने वाली, बस आधा घंटा मान के चलो। तो जी मैं तो चले गए और ये देखो सुबह सवेरे को जितना मैं सब चमका कर रखूँ शाम होते होते वैसे नहीं। देख मैं सही में बताऊँ इतना नहीं करते बच्चे, सोफा साफों के ऊपर कमी चढ़े हैं बच्चे हमारे। और बाकी बस ये है जो थोड़ा सा इसको मुझे समेटना ही पड़ा। आवाज लगा रहे कब से तुझे, कहाँ आए तू? ही बस ठाक ही करता है नो। कह रही सुमन भी कह रहे दीदी इसे कुछ भी कह रहे हैं, बस हंस दे एकदम से। कह रही इसे कुछ भी पूछो यार, बोलती तो है नहीं, बस ही करता है। अब मैं भी यही करूंगी फिर, मैं भी इसकी बहन। नहीं भाई जो उसका उसके ऊपर जो सूट कर रहा है ये हेयर स्टाइल इसके ऊपर सूट कर रहा है, वो तेरे ऊपर नहीं सूट करता। कटवाए तो तन नहीं थे सारों के बालों का नाश तन नहीं मरवाया। चलिए जी बस फिर फटाफट से मैं ये समेट दूं, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। तो जी टाइम हो गया है शाम का 5:30 बज रहे, काम धाम हो गया, उसके बाद मैंने 10 मिनट मोबाइल भी देख लिया। सुनीता चली गई है और रूही अपने डैडी के साथ चली गई थी। तो मतलब इतनी भागा दौड़ी सी करके अब बिल्कुल ऐसा हो रहा जैसे कुछ भी प्रोग्राम नहीं था, सब कुछ शांत, सब कुछ एकदम से ऐसा हो रहा जैसे पहले की तरह रोजमर्रा का जीवन हो वैसा। तो दूध आ गया था, ये भी उबाल दे दिया है, इसको रख दिया है मैंने। सुनीता को भी जो देना था वो मैंने दे दिया। अब यहाँ पे बचे हैं सिर्फ मैं और पीहू। बेटे खा के यहीं रख दिया बाबू। अब फोन आ गया, मुझे लगा इसकी दादी का फोन आ रहा शायद गाँव में से। तो जी मैं वीडियो रोकती हूँ यहीं पे। कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले इस गोलू मोलू चोलू को विशेष दीजिए। और 10 दिन बाद इस दूसरी देवी का भी
जन्मदिन है तो उसके लिए भी देखेंगे क्या करना क्या नहीं। तो जी चलिए बस मिलते हैं जब दीदी ही, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, राधे।